क्रिकेट के एपिसोड में हम बात करेंगे एक और आईपीएल की शानदार टीम यानी चेन्नई सुपर किंग की। चेन्नई सुपर किंग की टीम कैसी है, क्या क्या करती रही, पहले कब खेली, कितना खेली और कितने मैचेस जीती, इस पर बात करेंगे। स्कॉट का भी पोस्टमार्टम करेंगे। काचे रिजवान मेरे साथ मौजूद है। रिजवान साहब, हाँ जी, चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई टीम हिस्टोरिकली तो बड़ी अच्छी है, एक्चुअली सबसे बेस्ट टीम ही चेन्नई है, क्योंकि चार दफा वो जीते हैं, हालांकि मुंबई इंडियन पांच दफा जीती है, लेकिन चेन्नई पांच दफा सेकंड भी आई है, यानी 15 में से 13 एडिशन हो गए थे, दो में सस्पेंड हो गए थे, तो 13 एडिशन में दे हैव बीन फर्स्ट और सेकंड, दो साल सस्पेंड हो गए, तो 13 में से 9 ओकेजन ऐसी हैं जिसमें ये आइदर दे हैव कम फर्स्ट और सेकंड। लेकिन लेकिन बताए क्या, मुझे नहीं पसंद, क्यों बुढ़ी बुढ़ी हो गई है टीम ये, जब तक ये धोनी की वजह से कह रहे हैं, एमएस धोनी खेल रहे हैं चेन्नई सुपर किंग में। अच्छा कॉनवे यार, डेवोन कॉनवे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, गायकवाड़ मैं आपको इसके बारे में बताऊं, इज अ वेरी गुड बैट्समैन, गायकवाड़ इज अ वेरी गुड। देखिए जब आपका एक प्लेयर जरा डिफरेंट हो जाए ना, जो कि पास्ट इज प्राइम हो, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उम्र भी हो गई है। मैं पर्सनली आई थिंक इंडियाज ग्रेटेस्ट कैप्टन हैज बीन धोनी। लेकिन अगर अगर हम ओवरसीज का देखें ना, मैंने अपने सामने खोल के रखी हुई है पूरी टीम, डेविड कॉनवे आपने बताया, मोइन अली है, ऋतुराज गायकवाड़, मैं इसके बारे में बात करूं, आपको पता है ये 6 करोड़ रुपए में बिका यार। वो गायकवाड़ की बाद में बात करते हैं ना, पहले हम ओवरसीज की बात करते हैं ना। कॉनवे इसके अंदर है, मोइन अली है, फिर प्रिटोरियस है, फिर बेन स्टोक्स है, मिचेल सैटनर है, तिक्शाना है, और बस यही मेन है। मुझे तो लगता, मुझे तो कोई इतना कोई ज्यादा नहीं किया, इम्प्रेस नहीं किया ओवरऑल टीम में। देखे ना, बेन स्टोक्स भी खतर, अपनी बाकी टीम जो इंडियन प्लेयर्स है ना वो थोड़े कमजोर है, हालांकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है शेख रशीद, राइडू भी है यार इसमें, जिनका रिहाने भी है इसके अंदर, जिनका रिहाने, लेकिन वो आप टिपिकल टिपिकल, मैं वही कह रहा हूँ, टिपिकल प्लेयर नहीं है। देखिए ना, बेन स्टोक्स अपनी सुप्रीम खत्म कर चुका हुआ है, धोनी टर्मिनल डिक्लाइन पे जा चुका है, वो वनडे वाला प्लेयर ज्यादा है, क्या यार कुछ भी नहीं, मुझे तो इनकी कोई इतनी टीम ज्यादा अच्छी लगी नहीं। अगर आप बॉलर चाहर है इसमें, चाहर बहुत क्लास का स्पिनर है, कौन चाहर, आप पेस अटैक से शुरू करते हैं ना, पेस अटैक में मुझे बताएं कौन सा अच्छा है, एक साउथ अफ्रीका का मगाला है, उसके बाद दीपक चाहर है, फिर जेमिसन, काइली जेमिसन, न्यूजीलैंड का जेमिसन बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन ज्यादा श्रीलंका वाला वो भी आ रही है, बट ठीक है, बस ठीक है, ये टीम बस ठीक है, लेकिन इस दफा ये कि 9th नहीं आएगी तो हो सकता है 8th आ जाए। अच्छा यानी आप इस पे बजट हैं कि ये टीम आप दोनों को पसंद नहीं है, ये स्क्वाड कमजोर है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, कोई इतने मजे का नहीं है, चार दफा जीते हैं यार फॉर्मर चैंपियन, और धोनी की अच्छा धोनी की प्रेजेंस से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा आइकॉन है इंडियन क्रिकेट का, गुड लक टू हिम एंड बेस्ट ऑफ लक टू द टीम, बट सरफराज अहमद होता जा रहा है ना आहिस्ता, वो आप जाहिर है अपनी प्रीवियस मेरा ख्याल है, ऐसे प्लेयर्स को ना वॉलंटरली छोड़ देना चाहिए और जगह देनी चाहिए नए यंगस्टर्स को, यंगस्टर्स आए वहां पर, और ये अब शिफ्ट कर दिया ना, ये आ जाए वहां पर, नीचे आ जाए उसमें उस वक्त जीता जब इनके पास धोनी था, जडेजा था, इनके अच्छा प्लेयर खेलने वाला था, नहीं लेकिन 2011 2018 और 2021 में भी जीते, देखिए तो 21 में जीते, हाँ एक साल पहले जीते ना, तो अब दो साल गुजर गए ना यार, खत्म हो गया ना, T20 में टाइम बड़ी जल्दी ना, उस वक्त की कॉम्बिनेशन तो मुझे नहीं पता कि क्या थे टीम के कॉम्बिनेशन, लेकिन अब जो नजर आ रहा है कोई इतना खास इंप्रेस नहीं कर रहा। इसमें से बेहतर प्लेयर आपको मोइन अली नहीं लग रहा? मोइन अली ठीक है, ऊपर की बैटिंग में नहीं है ना, आपने ऊपर एक प्लेयर की आप बात करो कि अगर मिडिल ऑर्डर में हम देखें बतौर बैट्समैन और बॉलर, तो मोइन अली तगड़ा नाम तो है, बेन स्टोक्स मुझे बिल्कुल इससे मैं निकालूंगा नहीं यार, बेन स्टोक्स स्टिल बेन स्टोक्स है, ठीक है, स्टोक 120 स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर है सर, लेकिन बेन स्टोक अगर लीग खेल रहा होगा तो वो प्रेशर थोड़ी होगा, इंटरनेशनल वाला तो करेगा ना कुछ ना कुछ, नहीं लेकिन बेन स्टोक्स का जो है ना, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बेन स्टोक्स आपको पूरा टीम मैच जिता देगा जोस बटलर की तरह, तो वो नहीं हो सकता यार, 16 करोड़ में बिका कोई तो बात होगी, हाँ नाम बिका है ना, चलो
ओके जी स्विच इफ फ्लेमिंग माइकल हसी इंपॉर्टेंट इनकी कोचिंग स्टाफ हां जी कोचिंग स्टाफ में वो तो ऑब्वियसली चले जी चले जी चले जी चेन्नई सुपर किंग हो गई चेन्नई सुपर किंग के बाद जनाब अगली एपिसोड आएगी तो उसमें एक और टीम और उसका पोस्टमार्टम होगा लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और खुश रहें देखते रहें सेकंड क्लिप